Hello everyone, so today we are going to discuss about the topic sales promotion and public relation. In our previous video we had discussed about advertising and personal selling. हम किसका study कर रहे हैं कि हमारी marketing का जो fourth P होता है promotion, यानी कि आपका product ready है, आपने उसको pricing कर दिया कि इतने में मुझे बेचना है, आपने ये decide कर लिया है कि कैसे आप अपने customer को वो product provide करोगे. अब हमें क्या करना होता है, उसका promotion करना होता है, यानी कि आप अपने product के बारे में aware करते हो लोगों की आपका product है, ताकि उनके अंदर demand क्रिएट हो, उनको नीड क्रिएट हो उस चीज की. सो इसके अंदर क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, उसे प्रमोट करना होता है. सो हमने दो जो मेजर्स थे वो क्या थे, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग हमने डिस्कस कर लिए हैं. आज हम डिस्कस करेंगे अदर टू मेजर्स ऑफ मार्केटिंग योर प्रोडक्ट और प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट आर सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन. के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज सेल्स प्रमोशन. नेम ही सजेस्ट कर रहा है सेल्स प्रमोशन. सो जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को इंक्रीज करना. इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच आर डिजाइन टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं, यानी कि हमेशा के लिए नहीं होते, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जो एक कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर को ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हमें दिवाली के टाइम या किसी और फेस्टिवल के टाइम मिलता है ना 25% ऑफ, 35% ऑफ. तो ये ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और सीधा ही बोल रहे 50% ऑफ, ऐसा नहीं करते, परमानेंट उसे नहीं रखते, टेम्परेरी होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो इंसेंटिव एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने सेल्स को इंक्रीज कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी. यानी कि एडवर्टाइजिंग को छोड़ के, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी को छोड़ के जो भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन करती है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, वो सब किस चीज के अंदर आ जाता है, सेल्स प्रमोशन के अंदर आ जाता है. देन और उसका मेन मोटिव ही क्या होता है, सेल्स को इंक्रीज करना. मेजर डिसीजंस इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या लेने होते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना कि हम सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव तो सेल्स ही है, बट उसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को रिटेन करना, लॉयलिटी इंक्रीज करना, या फिर जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, कमिटेड कस्टमर्स हैं, उनको रिवॉर्ड करना. डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. सो उन ऑब्जेक्टिव में से हमें सेलेक्ट करना होता है कि फिलहाल जो हम सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं उसका हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है. हमें ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना होता है. देन सेलेक्टिंग कस्टमर प्रमोशन टूल. फिर हमने ये देख लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अब हम अपने कस्टमर को कैसे प्रमोट करेंगे, सेल्स का प्रमोशन कस्टमर में कैसे करेंगे, उस टूल को सेलेक्ट करना होता है. क्या क्या टूल हो सकते हैं, रिबेट हो सकता है कि यानी कि हम उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, जितने का वो प्रोडक्ट है, 2000 का उसका मेन प्राइस है, तो उसकी जगह हम उन्हें क्या कर रहे हैं, 10% ऑफ दे रहे हैं, 1800 का उसे दे रहे हैं तो हम 20% ऑफ दे रहे हैं. तो ये सब क्या है, हम उन्हें रिबेट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पे हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं. सैंपल हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, जिनके उनके अंदर डिमांड है, हम उन्हें सैंपल भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक फ्री सैंपल उन्हें दे रहे हैं कि हम इसके कॉस्ट आपसे नहीं लेंगे, आप इसे टेस्ट करके देख सकते हो, आप इसे यूज करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो. हम उन्हें कूपन प्रोवाइड करते हैं. कूपन क्या होते हैं, जो उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे कि अगर फिर से आप बाय करने आओगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर अगर 5000 से ऊपर का आप बाय करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. जो कूपन क्या करते हैं, एक कस्टमर के अंदर अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई मेरे पास एक कूपन है जिसकी वजह से मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सेल भी, जो उनकी परचेजिंग है ना, अगर आपके पास ऐसा कूपन है कि आप 5000 से ऊपर का बाय करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट 4000 की भी होगी ना, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर के लिए थोड़ा और परचेज कर लोगे कि कोई नहीं आगे काम आएगा, फिलहाल मुझे क्या मिल रहा है, कूपन है तो वेस्ट नहीं जाएगा. सो कूपन भी क्या करता है, सेल्स को प्रमोट करता है. कैश रिफंड कर सकते हो आप, कि रिबेट और कैश रिफंड में क्या है, रिबेट में तो हम सीधा पहले ही ये करके, पहले ही डिडक्ट कर चुके होते हैं उस प्राइस को, और कैश रिफंड में क्या होता है कि जैसे हमारा 2000 का सामान था तो हमने पहले 2000 लिए, उसके बाद हमने रिफंड कर दिया, 200 वापस दे दिए, 300 में वापस मिल गए, ये सब क्या होता है, कैश रिफंड. प्रीमियम गिफ्ट हमें मिल सकते हैं, यानी कि कोई गिफ्ट दे देना, किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट अटैच दे देना, कुछ एसोसिएट गिफ्ट करके दे देना, जिसकी वजह से वो हैप्पी हो जाए, जिसकी वजह से सेल्स का प्रमोशन बढ़ जाए. क्योंकि कई बार क्या होता है कि गिफ्ट जो होता है ना, उसी को देख के कि इसके साथ कुछ फ्री मिल रहा है तो हमारी परचेज या सेल्स इंक्रीज हो जाती है. फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम, जो हमारे कस्टमर बार बार परचेज करते हैं
उनको क्या करना, जो हमारे बार बार फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं उनके लिए एक अलग से बेनिफिट क्रिएट करना, यानी कि उनको एक अलग से कार्ड दे देना कि आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर ये कार्ड आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। आप कंटेस्ट रख सकते हो जिसमें कुछ प्ले गेम, आप कुछ गेम्स खिलाओगे अपने कस्टमर्स को, जब आपके कस्टमर्स इकट्ठे होंगे वो कुछ गेम खेलेंगे, जो गेम में जीतता जाएगा उन्हें आप कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे जिसकी वजह से भी आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। आप लकी ड्रॉ प्रोवाइड करते हो कि आपने जो सेल कर रहे हो ना उसके साथ आप क्या कर रहे हो, लॉटरी प्रोवाइड कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि 10 दिन बाद इसके अनाउंसमेंट होगे कि जिसका नंबर जीतेगा उसे क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। सो ये सब क्या है, डिफरेंट मेजर्स हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कंज्यूमर के लिए। देन सेलेक्टिंग ट्रेड प्रमोशन टूल, यानी कि अब तो आपने क्या किया, कंज्यूमर मार्केट में आप कैसे सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस मार्केट में प्रमोशन कर रहा है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो क्या करते हैं, लार्ज बाई करते हैं, सो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्राइस ऑफ कर सकते हो, या कि यानी कि जितना प्राइस है आप उन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो, 10% का 20% का आप उन्हें क्या कर रहे हो, डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो। अलाउंसेज आप उन्हें प्रोवाइड कर देते हो, अगर आप अपने बिजनेसेस में जिनके साथ डील करते हो अपने क्लाइंट्स को अलाउंसेस प्रोवाइड करते हो, सो वो आपके साथ क्या कहते हैं, रिटेन रहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो। फ्री गुड्स दे सकते हो, यानी कि सैंपल उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, आप एक सैंपल उसे फ्री दे दो, आप अपने गुड्स जो भी जिस भी सप्लाई करते हो, जो भी आपके सप्लायर हैं, जो भी आप इन बिजनेस हैं, उसको एक जितनी भी पेटी आप भेजते हो तो उसमें से आप क्या कर रहे हो, एक सैंपल में दे रहे हो कि एक आप टेस्ट करके देख सकते हो, आप कस्टमर्स को भेज के देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट करके देखो हमें रिव्यू चाहिए, तो जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हम जिससे जिनका सामान हम खरीद रहे हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमसे रिव्यू मांग रहे हैं। सो जिसके थ्रू क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है, सेल्स प्रमोशन होता है। सेलेक्टिंग बिजनेस एंड सेल्स प्रमोशन टूल, यानी कि जो सेल्स फोर्स है हमारी जो एक्चुअल में सेल कर रही है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेलेक्ट किया था, डिस्कस भी किया था कि सेल्स फोर्स होती क्या है और वो हमारी कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, सेल्स फोर्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम, ट्रेड शोज करा के, सेल्स कंटेक्स्ट करा के, स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी हमने उन्हें दे दी कि उनकी टी शर्ट है ना, उनकी टी शर्ट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा, या फिर उनको कैप दे दी जाएगी जिस पे लिखा होगा, जैकेट दे दी जाएगी जिससे उन्हें क्या होगा, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन फील होगा कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, जो एक सेल्स फोर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। उनका कंटेक्स्ट कराना जिसमें जो हमारी सेल्स फोर्स है वो गेम खेलेगी और जिसके थ्रू जो ज्यादा से ज्यादा गेम जीतेंगे उनको क्या होगा, प्रमोशन प्रोवाइड होगा। ट्रेड शोज, हम ट्रेड शोज करा सकते हैं जिसमें हमारे सेल्स फोर्स क्या है, अपने अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, जिसके सबसे ज्यादा सेल्स होंगी उन्हें और ज्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड होंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल्स फोर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर हमने टूल बताया कि हम कस्टमर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं सेल के लिए, ट्रेड प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, सेल्स फोर्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब ये सब हमने टूल डिसाइड कर लिए तो फाइनली हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं जिसके अंदर उसकी शुरुआत के लिए उसको बनाते हैं, यानी कि जिसमें हम क्या क्या डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो हमें 20% डिस्काउंट वाला टूल यूज करना है तो वो कितने टाइम के लिए यूज होगा, उसकी ड्यूरेशन को डिसाइड करना, उसकी कंडीशन को डिसाइड करना, या कि कितना भी बाय करो हर एक पे 20% मिलेगा, या फिर 1000 से ऊपर बाय कर रहे हो तब 20% मिलेगा। कंडीशंस को डिफाइन करना, टाइम को डिफाइन करना, ड्यूरेशन को डिफाइन करना, कॉस्ट को डिफाइन करना, सब चीज हम डिफाइन कर देते हैं डिजाइनिंग के टाइम। देन उसकी हम क्या करते हैं, प्री टेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसे लॉन्च करने से पहले, यानी कि 20% डिस्काउंट हमने सोचा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा उसे लॉन्च कर देते हैं, पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये हमारे लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं, या अट्रैक्टिव है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ ऐसा बनाया कि हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी कुछ बड़ा अमाउंट नहीं होगा, हमारी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत रेशनली या फिर बहुत जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं 100 की 200 की, उस पर अगर हम 2% दे रहे हैं तो कुछ लोग उससे अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, कुछ लोग क्या, मोस्टली लोग उससे अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। सो आपको उसकी प्री टेस्टिंग करनी होती है कि क्या ये सच में अट्रैक्टिव है भी या नहीं, देन आप उसे इंप्लीमेंट करते हो, कंट्रोल करते हो और इवेल्युएट करते हो कि क्या एक्चुअल में उससे हमारी सेल्स इंक्रीज हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब वो यूजफुल नहीं था, अदरवाइज हमारे लिए वो यूजफुल रहा। नाउ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन क्या है, ये भी हमारा एक मेन टूल है जिसके अंदर जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। इट रेफर्स दैट सेल्स कम्युनिकेशन विच अ बिजनेस हैज विद इट्स वेरियस ऑडियंसेस, यानी कि पब्लिक रिलेशन नेम ही सजेस्ट कर रहा है, अपनी पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करना, ये हमारी नॉन पेड फॉर्म होती है, इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने होते। जब हम क्या करते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं जिसके थ्रू हमारी क्या होती है, प्रमोशन, बिकॉज जितने बेटर हमारे रिलेशन होंगे ना, जितना अच्छा हमारी पब्लिक हमारे बारे में सोचेगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल्स होगी।
By public relation, we mean the relation of an organization with the public to secure a good public image of the company. ताकि आपकी जो company है उसकी image बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी और favorable image create हो जाए आपके public के mind में, वो हमारा क्या होता है, public relation. ये हमारी non-paid form होती है, इसके लिए हम कोई advertisement नहीं करते, personal जाके अपनी selling नहीं करते हैं, अपने goods को बताते नहीं है कि ये हमारे goods हैं और ये हमारी organization है, वो सब नहीं करते. वो हमारा क्या होता है, public relation. यानी कि इसमें सिर्फ हम main किस पे focus करते हैं, relation को maintain करने पे, ताकि हमारी अच्छी इमेज क्रिएट हो जाए. सो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इसके फंक्शंस हमारे क्या है, प्रेस रिलेशंस को मेंटेन करना, यानी कि जो प्रेस में जितने भी लोग हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना, न्यूज़ एंकर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना. जो आपने देखा होगा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनकी प्रेस रिलेशंस बहुत अच्छी होती हैं. अगर उनका कुछ कमी रह जाती है या फिर उनके में प्रोडक्ट में कोई वीकनेस भी होती है ना, उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं कर रहा होता, तो भी क्या होता है, उनके बारे में कोई ऐसी न्यूज़ आती नहीं है. क्यों? बिकॉज उनकी प्रेस रिलेशन ही इतनी अच्छी है. तो आपको प्रेस रिलेशन मेंटेन करनी होती है, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी आपको करनी होती है. मीन्स आपकी प्रेस रिलेशन के थ्रू या फिर पब्लिक रिलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्पीच दे रहे हो, या फिर आप नॉर्मली पब्लिक रिलेशन कैसे हो सकती है, जैसे ये रैलीज टाइप होता है, इसमें करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आप एक स्पोक्स पर्सन को रख लेते हो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपके प्रोडक्ट आ रहा है या फिर कोई न्यू चीज़ आ रही है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा. अगर आपके अगेंस्ट कोई बोल रहा है तो उनके आंसर्स देने के लिए, सो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए हमारा एक फंक्शन होता है पब्लिक रिलेशन का, यानी कि एक स्पोक्स पर्सन बना देना, जो हमारी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाएगा. काउंसलिंग करना, यानी कि जो मैनेजमेंट है, इसका पब्लिक रिलेशन का एक मेन मोटिव यही भी होता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसे काउंसिल करना कि पब्लिक रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेशन बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट है. हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, सप्लायर हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, उन सबके साथ अच्छी रिलेशन मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उस चीज की काउंसलिंग करना. एंड लॉबिंग करना, लॉबिंग का मतलब कि गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस होना. बिकॉज अगर आप कुछ नया लेके आ रहे हो, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, नई सर्विसेज लेके आ रहे हो, तो आपको कुछ, अगर आपका कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट है या फिर कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो आपको क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट की उसमें परमिशन चाहिए होती है. तो अगर आपके गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो आपको वो टाइमली या जल्दी मिल जाती है, अदरवाइज आपको वो डिले होता रहता है. तो आपको लॉबिंग का मतलब क्या, कि आपके अच्छे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होने चाहिए. देन इसके इंपॉर्टेंट रोल क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या क्या हेल्प करता है, असिस्ट करता है. अगर हमारी पब्लिक रिलेशन है, इन सब मीन्स के थ्रू, इन फंक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नए प्रोडक्ट को इजीली लॉन्च कर सकते हैं, उसके बारे में इजीली अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि हम नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे, एग्जिस्टिंग की ही फिर से हम रिपोजिशनिंग करना चाहते हैं, एक सेल्स जो है उसे फिर से एक पीक देना चाहते हैं, फिर से एक वेव उसके अंदर लेके आना चाहते हैं. सो रिपोजिशनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर लोगों के इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए हम पब्लिक रिलेशन का हेल्प ले सकते हैं. बिकॉज पब्लिक रिलेशन से क्या होगा, हमारी अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन होगी, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे, बिकॉज उसकी पब्लिसिटी हो रही है, तो उससे हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी जनरेट होगा. इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, जो हमारा मेन टारगेट है, जिसके लिए हम टारगेटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो हमारा सेगमेंट है, जिसके लिए गुड्स बन रहे हैं, हम उसे क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. हम पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू या फिर पब्लिक रिलेशन के थ्रू का क्या कर सकते हैं, अपने जो भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उसके अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया है या फिर उस पर कोई एलिगेशंस हैं, तो उससे हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. हमारा स्पोक्स पर्सन सारे वैलिड रीजन बता सकता है. प्रेस के साथ अगर हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो हम जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है प्रेस का, जो वो एक हाइप क्रिएट कर देती है एक टॉपिक को, उससे बच सकते हैं. बिल्डिंग द कॉर्पोरेट इमेज, एक अच्छी इमेज बन सकती है. बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ होंगी, हमारी अच्छी पब्लिक रिलेशंस हैं, अच्छे प्रेस रिलेशंस हैं, अच्छी पब्लिसिटी है, हमारा स्पोक्स पर्सन अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉर्पोरेट इमेज भी बेटर हो जाएगी. अब इसके क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम पब्लिक रिलेशन के लिए, पब्लिकेशंस का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर, इन सब पे क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू, अगर न्यूज़पेपर में आपके अगर ऐड आ रही है या फिर न्यूज़पेपर में आपके बारे में कोई न्यूज़ आई है जिसके लिए आपने पे नहीं किया, आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से न्यूज़ क्रिएट हुई है, आपकी न्यूज़ आई है, सो जिसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर सकते हो. बिकॉज अगर आपके कस्टमर हैं या फिर पोटेंशियल कस्टमर है, उसे पढ़ते हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री फील करते हैं और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. इवेंट्स के थ्रू आप कर सकते हो, यानी कि आपने कोई
रैली ऑर्गेनाइज कर दी, इन सब थ्रू के आप क्या कर सकते हो, पब्लिक रिलेशन कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप कर सकते हो. स्पॉन्सर आपने अगर देखा होगा, आप चीज़ें देखते हो तो स्पॉन्सर्ड बाय, अगर कोई शो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो तो स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप पब्लिक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो. न्यूज़ के थ्रू कर सकते हो, यानी कि न्यूज़ चैनल के थ्रू भी आपकी पब्लिक रिलेशन क्रिएट की जा सकती हैं. पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, जो हमारे ऑर्फन चाइल्ड हैं उनके लिए आप कुछ करते हो, ओल्ड एज के लिए आप कुछ करते हो, या फिर जो लोग वीक हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, आप उनको कोई हेल्प प्रोवाइड करते हो, हॉस्पिटल्स के लिए कुछ करते हो. सो सोशल एक्टिविटीज अगर आप परफॉर्म करते हो तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक रिलेशन क्रिएट करते हैं. आइडेंटिटी मीडिया के थ्रू, यानी कि जो भी आपके कस्टमर्स आते हैं, आप उन्हें क्या कर रहे हो, उनको आइडेंटिटी मीडिया, उनको आप एक स्पेशल कैप प्रोवाइड करते हो, स्पेशल जैकेट प्रोवाइड करते हो, या फिर स्पेशल बैग प्रोवाइड करते हो जिसे वो कैरी कर सकते हैं, तो उनको आप एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हो एज वेल एज रिलेशंस भी क्रिएट करते हो. इसके अंदर हमारे मेजर डिसीजंस क्या होते हैं कि सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि हम अगर पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मेन और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर हम चूज़ करते हैं कि इन वेरियस जो टूल्स हैं उसमें से हमें कौन से उसको यूज़ करना है, कौन से टूल के थ्रू हमें क्या करनी है, अपनी पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना है, क्या मैसेज हमें कम्युनिकेट करना है, एंड देन फाइनली हम क्या कर देते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं. और बाद में हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या पब्लिक रिलेशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं, उसकी वजह से हमारी जो हमारी सेल्स हुई या नहीं, हमारी मार्केटिंग बेटर हुई या नहीं, इन सब चीज़ों को हम इवेल्युएट करते हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग.